अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। अच्छा जी, एक और नई रेसिपी के साथ, नहीं सुनिए, पुरानी है लेकिन मेरे चैनल पे न्यू आई है, ये निहारी की रेसिपी के साथ पेश हुई हूँ। और ये नूर मैडम आ गई हैं यहाँ पे, मेरी पिक्चर बना देंगे। चले भाई, बिना ये लो भाई, देख लिया सब ने, देख लिया। अब आप जाएँ, नई रेसिपी के साथ पेश हुई हूँ निहारी की। क्विक एंड ईजी, ये आधा किलो चिकन है, एक मीडियम प्याज मैंने स्लाइस कर लिया है, ये लहसुन है एक चम्मच, और ये निहारी, शान निहारी मसाला, और ऑयल और आटा थोड़ा सा यूज़ होगा, वो मैं वीडियो के साथ साथ आप लोगों को बताती छोड़ूँगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी भाई, मैंने इसमें ये पहले प्याज ब्राउन करके निकाल लिया है, सही है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन, लहसुन और मसाले के साथ उसको भूनेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट 8 मिनट। ये मैंने डाल दिया है चिकन, लहसुन, और मैं इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे पहले, उसके बाद फिर मसाला ऐड करूँगी। चलो भाई, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाला चिपके ना, और ये मैं डाल दिया मसाला डाल के इसको अच्छी तरीके से 7 से 8 मिनट तक भून लें। चलो भाई, भूनने के बाद मिलते हैं फिर आपसे। चलिए जी, 7 मिनट मैंने इसको भूना है अच्छे तरीके से कंटिन्यूसली। अब इसमें डालेंगे पानी, आप अपने हिसाब से पानी रखिएगा कि आपको कितना एक निहारी चाहिए, शोरबा चाहिए इसका। चलिए मैं डालती हूँ 2 गिलास। चलिए जी, ये डाला मैंने पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 1 गिलास, फिर बिस्मिल्लाह 2 गिलास। चलिए अब उबाल आने का वेट करेंगे, 5 मिनट पकाएंगे इसको ढक के, उबाल आने का वेट करेंगे, इसमें डालेंगे आटा इसको गाढ़ा करने के लिए। चले भाई, इसमें डालेंगे तो आटे की लई। दयान, नो डोंट डू दैट। लई तैयार करते हैं, ये 1 चम्मच, 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। इसको घोल लेंगे हम लोग, सही है, फिर देखेंगे और नीड है या नहीं। ये देखें जी, मैंने उसको घोल के लई बना ली है, ठीक है। और इसमें उबाल भी आ गया, डालेंगे ऐसे ऐसे करके साथ साथ हिलाते रहेंगे। तो ये जयान पीछे इतना शोर मचा रहा है। चलिए भैया, आटा डाल के मैंने अच्छे अच्छे से हिला लिया, आपको दिखा दें कितनी थिक हुई है। आप लोग अपने हिसाब से थिकनेस रखिएगा इसकी। पूरा सा आटा मैं और डालूँगी थिक करने के लिए। अच्छा जी, तो आटा डालने के बाद मैंने उसको कुछ देर पकने छोड़ दिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हुई ना गाड़ी। चलो जी, इसमें डालेंगे, मैंने उसको 20 मिनट के लिए पकने छोड़ दिया था ताकि इसमें मुर्गी वगैरह भी गल जाए। अब इसमें प्याज डालूँगी क्रश करके अपने हाथों से। ये 1 मीडियम प्याज था, असर की अजान भी हो रही है पीछे। प्याज डाल के अच्छे तरीके से इसको हिला लें और 10 मिनट को और पकने छोड़ दें, और उसको ढक दें ताकि इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। भाई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी हो गई निहारी तैयार। अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से ये चीज़ें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जबरदस्त। ये आ गया अदरक। चलिए भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी पे अच्छी सी दूसरी रेसिपी में।